Please subscribe and press the bell icon for more content. हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस एड्रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर किस तरीके से एडमिशन ओपन पोस्टर डिजाइन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 वर्जन ओपन हो चुका है। आप लोगों के पास जो भी वर्जन है तो आप आसानी से यहाँ पर पोस्टर डिजाइन कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर पेज सेटअप करता हूँ। पेज सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पर लेआउट पर जाता हूँ। लेआउट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर मार्जिन नैरो कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए नैरो, देन उसके बाद आप लोग क्लिक कीजिए साइज़ पर। मैं यहाँ पर इसको साइज़ दे देता हूँ A5 साइज़। आप जो भी साइज़ देना चाहते हो तो दे सकते हो, A5 A4 साइज़ भी दे सकते हो, A3 साइज़ पर दे सकते हो, A5 साइज़, B4 साइज़, B5 साइज़, आप जो भी देना चाहते हो तो दे सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर A5 साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए पेज रेडी होकर तैयार हो चुका है। दोस्तों, इस वाले पेज को आप जूम आउट जूम इन करने के लिए कंट्रोल बटन होल्ड कीजिए तो स्क्रॉल माउस का स्क्रॉल अप डाउन कर करके यहाँ पर इस तरीके से जूम आउट जूम इन कर सकते हो पेज का। देन उसके बाद आप लोग क्लिक कीजिए डिज़ाइन पर। डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद आप लोग जाइए पेज बॉर्डर पर। देन उसके बाद यहाँ पर एक बॉर्डर दे दीजिए। बॉर्डर देने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली आर्ट बॉर्डर पर जाता हूँ। देखिए आर्ट बॉर्डर पर, देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करते हुए आप जो भी बॉर्डर यहाँ पर सेलेक्ट करना चाहते हो तो आसानी से यहाँ पर बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सिंपली इस वाले बॉर्डर को सेलेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर 16 PT दे देता हूँ वेट। यहाँ पर देखिए 16 weight। देन उसके बाद इस वाले बॉर्डर को आप मार्जिन सेट भी कर सकते हो। मार्जिन सेट करने के लिए आप लोग क्लिक कीजिए ऑप्शन पर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन पर, देन उसके बाद आप लोग यहाँ पर ऑप्शन जो भी देना चाहते हो दे सकते हो। मैं यहाँ पर सिंपली 10 टॉप पर 10, बॉटम पर भी 10, लेफ्ट पर भी 10 और उस तरीके से राइट पर भी यहाँ पर 10 दे सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देखिए चारों तरफ से मैंने यहाँ पर 10 मार्जिन दे चुका हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ओके करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से पेज बॉर्डर तैयार हो चुका है दोस्तों। देन उसके बाद यहाँ पर एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर इंसर्ट पर जाता हूँ। इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर मैं शेप्स पर क्लिक करता हूँ। शेप्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करता हूँ। रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट करते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस वाले शेप्स को इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कलर ब्लैक कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, देन उसके बाद मैं यहाँ पर आउटलाइन नो आउटलाइन कर लेता हूँ, नो आउटलाइन। और देन उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से इस वाले साइड को। देन उसके बाद इस तरीके से कीबोर्ड का एरोस की से कुछ इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा ऑफ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए शेप्स तैयार हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर एडमिशन ओपन लिखता हूँ। एडमिशन ओपन लिखने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली जाता हूँ इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी इंसर्ट वर्डर पर जाता हूँ। इंसर्ट वर्डर पर जाने के बाद मैं यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट वर्डर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से टेक्स्ट आ चुका है। दोस्तों, इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले इस टेक्स्ट को आप लोग रिमूव करिए, सॉरी इस टेक्स्ट को आप क्लियर ऑल कर लीजिए। क्लियर ऑल करने के लिए यहाँ पर देखिए होम पर जाइए। होम पर जाने के बाद यहाँ पर देखिए क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग है। देन उसके बाद यहाँ पर क्लिक कीजिए नो स्पेसिंग पर। यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर जो भी स्टाइल लगा था टेक्स्ट पर वो सब आसानी से यहाँ पर रिमूव हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए कर लीजिए सेलेक्ट ऑल। देन उसके बाद यहाँ पर एडमिशन ओपन टाइप कर लीजिए। एडमिशन ओपन में यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ ADMI एडमिशन ओपन। यहाँ पर देखिए कंट्रोल ए करता हूँ सेलेक्ट ऑल। यहाँ पर इस तरीके से इन टेक्स्ट फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पर बोल्ड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक फॉन्ट दे देता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद फिर से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर फॉर्मेट शेप पर जाकर इसको कलर वाइट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर होम पर जाकर इसको फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आसानी से एडजस्ट हो चुका है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ घटा लेता हूँ। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से फॉन्ट को और यहाँ पर 34 लिख देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए 34 का साइज़ हो चुका है फॉन्ट साइज, कुछ इस तरीके से रख देता हूँ। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पर इस वाले शेप्स को क्लिक करता हूँ। देखिए इस वाले शेप्स को क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, देन उसके बाद इस तरीके से ऊपर की तरफ ले आता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से डिज़ाइन तैयार हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं क्लास 1 2 FCA FA 1 CS 1.com लिख देता हूँ। लिखने के लिए मैं यहाँ पर सिंपली इंसर्ट पर जाता हूँ और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ही इंसर्ट वर्ड आर्ट सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर होम पर जाकर नो स्पेसिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। देन उसके बाद इस तरीके से नीचे की तरफ ले आता हूँ और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्लास 1 2
एफ डॉट एस सी ए देन सी देन उसके बाद यहाँ पर एफ ए कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल ए करते हुए फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट पर जाकर पिक्चर्स पर जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे स्टूडेंट इमेज है दोस्तों। मैं यहाँ पर स्टूडेंट इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं इस वाले स्टूडेंट्स का इमेज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए इस वाले स्टूडेंट इमेज का। देन उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ। इंसर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पिक्चर्स आ चुका है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले टेक्स्ट वाप टेक्स्ट पर जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर रोटेशन पर जाकर यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। देन उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर इसको ड्रैग कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, देन उसके बाद इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए करते हुए। देन उसके बाद इस वाले फॉर्मेट शेप्स पर जाकर, होम पर जाकर इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ ताकि आसानी से यहाँ पर सब कुछ दिख जाए। इसको 34 दे देता हूँ, 32 दे देता हूँ टेक्स्ट कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर की तरफ, और कंट्रोल डी करता हूँ इस वाले टेक्स्ट को डुप्लीकेट हो जाता है। कंट्रोल ए करता हूँ यहाँ पर 1cs.1.com ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको भी यहाँ पर सेंटर कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ, इस वाले टेक्स्ट का सेंटर कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर इंसर्ट पर जाकर शेप्स पर जाकर इस वाले शेप्स को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर देखिए ढेर सारे शेप्स हैं, आप जो भी शेप सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टॉप कॉर्नर राउंडेड यहाँ पर टेक्स शेप सेलेक्ट कर रहा हूँ देखिए। देन उसके बाद इस तरीके से यहाँ पर शेप्स ड्रॉ करता हूँ, इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर रोटेट करता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पर कलर ब्लैक देता हूँ, नो आउटलाइन कुछ इस तरीके से यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से देखिए। देन मैं यहाँ पर इसको इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर प्रिपरेशन फॉर लिख देता हूँ, प्रिपरेशन फॉर, और यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ और इसको टेक्स्ट को कलर वाइट दे देता हूँ, और इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन तैयार हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली इंसर्ट पर ही जाकर इस वाले टेक्स्ट को ही क्लिक करते हुए कंट्रोल डी करता हूँ तो डुप्लीकेट करता हूँ। देन उसके बाद मैं इसको ऑन बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, 20 के आसपास दे देता हूँ। मैं यहाँ पर कैट्स लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। देन यहाँ पर इनिशियल कैट्स एंड इनिशियल लिख देता हूँ। देन उसके बाद इसको मैं यहाँ पर एक बुलेट्स सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो डुप्लीकेट हो जाता है। देन उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल ए करके सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर टेस्ट फॉर कमीशन CO MMISSION इस तरीके से टेक्स्ट अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है दोस्तों। देन उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली इंसर्ट पर जाकर शेप्स पर ही जाकर यहाँ पर एक ओवल शेप सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर जो भी आप शेप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप आसानी से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इस वाले शेप्स को भी इस तरीके से आप रोटेट करते हुए यहाँ पर इस तरीके से अटैच कर सकते हो। देखिए इस वाले शेप्स को कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बनाकर भी यहाँ पर अटैच कर सकते हो। आउटलाइन, नो आउटलाइन इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर सकते हो। जो भी आप टेक्स्ट शेप्स देना चाहते हो तो आप आसानी से यहाँ पर सेट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर रख सकता हो। देन मैं सिंपली इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर एक शेप्स इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर शेप्स पर जाकर मैं यहाँ पर ओवल शेप्स सेलेक्ट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ओवल शेप्स, और यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करते हुए, थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पर इसको
एट एज कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ और इस तरीके से यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर राइट साइड पर रख देता हूँ, इसको छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको भी यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिए। देन उसके बाद फॉर्मेट शेप्स पर जाता हूँ और ब्लैक कलर नो आउटलाइन सेम प्रोसेस अप्लाई करता हूँ यहाँ पर देखिए। देन यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करते हुए कंट्रोल डी करता हूँ तो डुप्लीकेट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर प्री बोर्ड लिख देता हूँ, बी ओ ए आर डी बोर्ड है। देन उसके बाद यहाँ पर इसको यहाँ पर इस तरीके से ऊपर की तरफ ले आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कलर वाइट दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको रोटेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से देखिए। इसको ऑफ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और यहाँ पर कंट्रोल डी करते हुए डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर टेस्ट सीजन ले देता हूँ, SCSI कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ऑन बोल्ड कर लेता हूँ ताकि सब कुछ आसानी से समझ में आए। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर दो टेक्स्ट लिख चुका हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर मैं इंसर्ट पर जाकर शेप्स पर जाकर यहाँ पर एक टॉप कॉर्नर राउंडेड रेक्टेंगल शेप्स यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ और इस तरीके से यहाँ पर राउंड दे देता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसको रोटेट भी आप करना चाहते हो तो आप आसानी से इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हो। देन उसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, इसको इस तरीके से बड़ा भी कर सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर कर लेता हूँ, आउटलाइन नो आउटलाइन सेम प्रोसेस अप्लाई करता हूँ यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर एक शेप सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर देखिए कुछ राउंडेड रेक्टेंगल शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से राउंडेड शेप्स अटैच कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ब्लैक कलर नो आउटलाइन, आउटलाइन में वाइट कलर देता हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा अच्छा लगे डिज़ाइन में, इस तरीके से थोड़ा सा राउंडेड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से दिख जाता है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहले मैं इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी करता हूँ तो डुप्लीकेट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए करते हुए, यहाँ पर सिंपली TSCHER टीचर क्वालिफिकेशन QUALIFICATION क्वालिफिकेशन कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल सेम प्रोसेस, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, इसको मैं वाइट कलर दे देता हूँ टेक्स्ट कलर वाइट कुछ इस तरीके से, यहाँ पर देखिए एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको भी कंट्रोल डी करता हूँ तो डुप्लीकेट हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ, एरियल ब्लैक पर जाता हूँ और देन उसके बाद मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक पर नहीं जाता हूँ, कुछ बोल्ड फॉन्ट दे देता हूँ कुछ इस तरीके का भर देना। देन यहाँ पर BS टाइप कर लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस लिख देता हूँ, SCIENC कुछ इस तरीके का फॉन्ट दे देता हूँ और डर दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पर डिज़ाइन तैयार हो चुका है दोस्तों। देन उसके बाद इसको कंट्रोल डी करता हूँ डुप्लीकेट हो जाता है। देन फिर से इस वाले शेप्स को कंट्रोल डी करता हूँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का शेप्स आ चुका है। देन इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले आता हूँ और यहाँ पर इस वाले टेक्स्ट को कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। देन इसको मैं सेंट ब्रिंग टू फ्रंट कर लेता हूँ इस तरीके से। देन यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल ए करता हूँ और यहाँ पर MSC ब्रैकेट ओपन केमिस्ट्री लिख देता हूँ, CHEMISTRY केमिस्ट्री ब्रैकेट क्लोज और इस तरीके से डॉट दे देता हूँ यहाँ पर देखिए, और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ फॉन्ट ताकि ये सब कुछ आसानी से समझ में आए। देन इसको भी मैं यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 20 के आसपास इस तरीके से, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर
डिज़ाइन तैयार हो चुका है दोस्तों। देन इस वाले पिक्चर्स का मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूँ। सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट करने के लिए मैं यहाँ पर इस वाले ब्लैक एंड वाइट पर चूज़ करता हूँ। देखिए देन उसके बाद यहाँ पर कलर आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, करेक्शन भी आप करना चाहते हो तो आप ऐसे इस तरीके से डार्क भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट हो चुका है दोस्तों पिक्चर्स का। देन उसके बाद यहाँ पर मैं स्कूल का नाम और लोगो, एड्रेस, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्कूल का लोगो सेट करता हूँ। स्कूल का लोगो सेट करने के लिए मैं सिंपली इंसर्ट पर जाता हूँ और देन उसके बाद पिक्चर्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर पिक्चर्स सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप पर एक स्कूल का लोगो डिज़ाइन है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने ये लोगो डिज़ाइन का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में इस वाले लोगो का वीडियो आ चुका है दोस्तों, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। देन उसके बाद इस लोगो को इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर वाप टेक्स्ट पर जाकर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस लोगो का ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ। ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर देखिए 75% ब्लैक एंड वाइट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर इस तरीके से नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करते हुए यहाँ पर अटैच करता हूँ। सेंटर अलाइजमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए अलाइजमेंट सेंटर कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेंटर हो चुका है। देन इसको बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ ले आता हूँ। देन यहाँ पर मैं स्कूल का नाम टाइप कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ डुप्लीकेट। यहाँ पर मैं ग्लोरी प्राइमरी स्कूल लिख देता हूँ। सिंपली कंट्रोल ए करता हूँ, ग्लोरी प्राइमरी स्कूल। देन उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल ए करता हूँ सेलेक्ट ऑल। यहाँ पर सिंपली फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके का। यहाँ पर देखिए एडजस्टेबल फॉन्ट लगा लेता हूँ। यहाँ पर आप जो भी फॉन्ट देना चाहते हो तो आप आसानी से दे सकते हो, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं सिंपली यहाँ पर क्लैलिवरी ने फॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ तो डुप्लीकेट हो जाता है। देन इसके बाद यहाँ पर मैं एड्रेस लिख देता हूँ, बेटा मोड 6। अच्छा लिख देता हूँ, कंट्रोल ए ऑन बोल्ड करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ 12 के आसपास कुछ इस तरीके से। इसको आप फॉन्ट बड़ा करना चाहते हो तो आप आसानी से बड़ा भी कर सकते हो ताकि और अट्रैक्टिव लगे डिज़ाइन, कुछ इस तरीके से सेंट्रल अलाइजमेंट कर सकते हो। देन उसके बाद इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए नीचे की तरफ ले आ सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ 14 के आसपास कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं 12 के आसपास दे देता हूँ। आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी टाइप कर सकते हो आसानी से। इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए आप सेंट्रल अलाइजमेंट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। इस वाले टेक्स्ट को भी आप सेलेक्ट करते हुए सेंट्रल अलाइजमेंट कर लीजिए कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए आप कॉन्टैक्ट नंबर भी आसानी से टाइप कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पर इस वाले शेप्स पर जाकर, यहाँ पर देखिए राउंडेड रेक्टेंगल शेप्स पर जाकर यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ ताकि ये आसानी से नज़र में आए कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर ब्लैक कलर नो आउटलाइन सेम प्रोसेस अप्लाई कर लेता हूँ। इसको मैं सेंट्रल अलाइजमेंट कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल डी कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट करते हुए इसको थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट ऑस ले लेता हूँ, CONTACT ऑस सिंपली यहाँ पर इस तरीके से दे देता हूँ, 9818507585 कुछ इस तरीके का नंबर यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ कमांड वर्ड। देन उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप इसको छोटा और आसानी से कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने यहाँ पर एडमिशन ओपन पैम्पलेट डिज़ाइन बनाकर तैयार कर चुका हूँ दोस्तों। आप भी इस तरीके से आसानी से एडमिशन ओपन पोस्टर डिज़ाइन बना सकते हो दोस्तों। आप लोगों का आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नई टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।